टोंक से जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है, दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी टोंक से हम आपको तस्वीर देखिए। आप ये काफी भयावह तस्वीरें हैं, किस तरीके से दोनों ट्रकों में आग लग चुकी है और दोनों ही ट्रक जलकर राख हो चुके हैं। हालांकि मौके पर दमकल विभाग मौजूद है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर दो ट्रक आपस में भिड़ गए और उसके बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई। संवाददाता भूपेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र, किस तरीके से हादसा हुआ और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? अभी ये बताना चाहूंगा कि देर शाम मोटू का पुलिया के पास दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए, जिसमें दोनों में अचानक आग लग गई और एक चालक की मौके पर मौत हो गई है। और इसके जो आग लगी एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त एक बाइक सवार था वो भी इसकी चपेट में आ गए, तो बाइक सवार दो जने जो घायल हो गए। अभी जो पुलिस के मौके पर पहुंची, तीन जो दमकल है उसकी मदद से आग का काबू पा लिया गया है। और अब युद्ध स्तर पर जो दोनों ट्रक हैं उनके हटाने के जो काम है वो जारी है। भूपेंद्र, देखिए जिस तरीके से आपने बड़ी अपडेट दी है कि एक चालक की इस दरमियान मौत हो चुकी है, कुछ बाइक पर जो लोग मौजूद थे और वो लोग भी घायल हो गए, यानी कई लोग घायल हैं, एक की मौत हो चुकी है। अभी क्या पुलिस विभाग वहां पर मौजूद है और कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद है? जी बताना चाहूंगा कि पुलिस के सभी अधिकारी जो सीओ सिटी है, सीओ निवाई है, वो मौके पर मौजूद है। साथ ही जो सीब्लू सीओ है वो मौके पर मौजूद है और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। लगातार तीन जेसीबी मशीन और तीन एलएनटियां लगाकर जो रोड को अब क्लियर किया जा रहा है। और अभी एक इनपुट मिला है कि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो उनका शरीर भी क्षत विक्षत हो गया था और उसके जो पार्ट थे शरीर के उसको भी ढूंढा जा रहा है। यानी कि देखिए, आप एक बड़ी अपडेट आप यहाँ पर दे भी रहे हैं भूपेंद्र, जिस चालक की मौत हुई है वो चालक कहाँ का रहने वाला था, क्या उसके परिवार को सूचना दे दी गई है भूपेंद्र? जी अभी तक इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पुलिस अभी तक जो वो मलबा है वो हटाने में लगी हुई है, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी का ड्राइवर था वो अभी तक नहीं मिल पाया। वो उसकी डेड बॉडी है या वो कहीं फरार हो गया या उतर के जब आग लगी तब वो निकल गया, अभी तक इसका जानकारी नहीं मिली है। तो पुलिस, यानी कि भूपेंद्र, एक चालक का अता पता नहीं है और दूसरे चालक की मौत हो चुकी है। फिलहाल देखिए पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन नजर बनाए रखिएगा भूपेंद्र, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट, हमले में एक चालक की मौत हो चुकी है लेकिन दूसरा जो चालक था ट्रक का उसका भी अता पता नहीं है। इसको लेकर भी देखिए जांच पड़ताल की जा रही है और जो ट्रक का मलबा है उसको हटाया जा रहा है, कहीं दूसरा चालक वहां पर दबा ना हो, उसको लेकर भी पुलिस इस आशंका में पूरे मलबे को हटा रही है।